हेलियोस, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। मैं हूँ एनिग्मा। आज हम आप लोगों के लिए करेंगे जनरल रीडिंग वीकली सितंबर। देखते हैं क्या इस हफ्ते और अगले हफ्ते आप लोगों के साथ होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, सो इसको जनरली लीजिएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है ना रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू। चेक कर सकते हो फीडबैक्स और ऑल बाकी सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को आई एनिग्मा हिंदी, आई एनिग्मा और आई एनिग्मा स्कॉर्पियो चैनल को, सारे चैनल्स को। एंड मैं प्रेयर्स भी करती हूँ, वाइट प्रेयर्स और हीलिंग प्रेयर्स भी करती हूँ, कॉर्ड कटिंग स्पेल्स भी करती हूँ, उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स खरीदना चाह रहे हो 100% प्योर हाई वाइब्रेशनल इंटेंशन चार्ज बेस्ट क्वालिटी के, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नाउ लेट्स सी द मैसेजेस लियोस, क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते और अगले हफ्ते। ओ लियोस, आप जिनमें इंटरेस्ट ले रहे हो ना, ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। ये पर्सन आपको शो करते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बट हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि आपके साथ कमिट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सजिटेरियस, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी फेक, मतलब झूठ बोल रहे हैं आपसे, और इस चीज़ का आपको स्ट्रेस हो रहा है। हो सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी इनकी गुडविल है, काफ़ी लोग जानते हैं इनको, रेपुटेशन की स्ट्रांग है, पावरफुल है, इसीलिए शायद ये आपके साथ चीट कर रहे हैं। इनको लगता है कि चीटिंग करना बहुत आसान है, यू नो, इनको आप पकड़ोगे नहीं, इनको आप कैच नहीं कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है लियो, उसके अब आपको पता लग गया है कि ये पर्सन किसी और के साथ बात करते हैं, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, पर आप जो है देखना चाहते हो कि इनकी इंटरेस्ट आप में कितना है, इसलिए आप इनसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आप ज़्यादा पूछ नहीं रहे इनसे। आपको काफ़ी अकेलापन फील होगा, ऐसा लगेगा कि इनके साथ होने के बावजूद भी ना आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अकेलापन फील होगा काफ़ी बार। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो इनको, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि अगर आपकी इनसे बात हो तो ये बहुत ज़्यादा रूड हो जाए। आपको कोई पसंद करते हैं, डेफिनेटली लियोस, आपको कोई पसंद करते हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, और आप उनको पसंद नहीं करते, आप किसी और को पसंद करते हो। अब जिनको आप पसंद करते हो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो आप उनको इग्नोर कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। जो आपको पसंद करते हैं वो काफ़ी लविंग और काफ़ी केयरिंग है, और कमिटेड होना चाहते हैं आपसे, लॉयल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। डर है उनको कि पता नहीं क्या आपको फील होगा, आप किस तरह से लोगे इनकी बात को, इनकी फीलिंग्स को, आप इनको ट्रस्ट कर पाओगे कि नहीं, आप इनको अलाउ करोगे अपनी लाइफ में कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनका मन है आपको बताने का। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो लियोस, ये आपको एज अ स्पेशल पर्सन ट्रीट करते हैं। आप इनके लिए स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, आप इनके लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। तो जो भी हो जाए, आप चाहे इनको जितना मर्जी पुश अवे करो, ये आपके फ्रेंड बन के ज़रूर रहना चाहते हैं। सो ये हो सकता है आपके फ्रेंड हैं, लेकिन डीप इनसाइड मन ही मन में आपको बहुत पसंद करते हैं। ये कैंसर, एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है। ये एम्परर, आई थिंक कि आप ना इन पर्सन के लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में इमिडिएटली बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी, इमिडिएटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है आपको।
ये एरीज हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, कैंसर एक्वेरियस हो सकते हैं, बट इन आपके आने के बाद इनकी पावर बढ़ेगी, इनकी रेपुटेशन स्ट्रांग होगी, काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएंगे, तो आप इनके लिए बहुत लकी हो, ये चीज़ इनको रियलाइज हो रही है। ये पर्सन आपके साथ ना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन डिवोर्स चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ ताकि आपके साथ रह सके। कॉम्प्लिकेटेड। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। कुछ तो छिपा रहे हैं ये पर्सन आपसे ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन ये कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है पर्सन से डिवोर्स ले रहे हैं ताकि आपके साथ रह सके अपनी लाइफ टाइम। मैरिड हो सकते हैं पर्सन। बहुत ही डर है इनको आपकी तरफ आने में, इनको लगता है आप इनको मना कर देंगे, आप इन्हें उतना पसंद नहीं करते, इनको लगता है किसी और को पसंद करते हो। शायद आप नहीं करते इन्हें पसंद क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको खुल के बताए अपनी फीलिंग्स। आपको मन ही मन में फील हो रहा होगा कि ये पर्सन कौन है, आपको पता लग गया होगा कि ये पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, लेकिन आप तब तक रिएक्ट नहीं करोगे जब तक ये पर्सन आपको अपनी खुद से एक्सप्रेस नहीं कर देते कि आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। इस चीज़ की वेट कर रहे हो आप। आप दोनों के बीच में बातचीत तो बहुत होगी और ये आपसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, मैरिज देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको ये है कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। जबकि ट्रूथ ये है कि अगर ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आप इनका प्रपोजल ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इनको मन ही मन ऐसा लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये खुद से फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनका माइंड इनको कुछ और कह रहा है, इनका मन इनको कुछ और कह रहा है, इनका दिमाग इनको कुछ और कह रहा है, इनका मन इनको कुछ और कह रहा है। बट ये आपसे ट्रू लव करते हैं फॉर श्योर। ये लीब्रा भी हो सकते हैं। इनको ना डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, हार्ट ब्रेक ना हो जाए इनका। बहुत ज़्यादा डर है इनको, ठीक है, इस चीज़ का। आप इतने अट्रैक्टिव लगते हो ना इनको कि आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इनके लिए बहुत ही बहुत ही गॉर्जियस पर्सन हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम इंसान हो। लाइक उनको आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं दिखता। तो आपको ऐसा काफ़ी लगता होगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे बट डरते हैं आपको बताने से, ठीक है। फियर है, डर है कि आप पता नहीं कैसे लोगे इस चीज़ को। ये अपने माइंड में ना नेगेटिव सिनेरियोस बहुत ज़्यादा बना लेते हैं कि आप पता नहीं क्या होगा, कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इनको ये लगता है कि आप पता नहीं किस तरीके से इनके जेस्चर्स को लोगे, कैसे इनको रिस्पॉन्ड करोगे। इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है जी। वन लास्ट मैसेज प्लीज़। अल्टीमेटली आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आके बनाए, पर आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा। और यहाँ पे बॉटम में आ रहा है 10 of Pentacles, जो कि मतलब है कि मैरिज में कन्वर्ट होगा। तो आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे बस इनको आपको बताने की ज़रूरत है, जो कि ये बताएंगे कि जैसे तैसे भी, या तो आपको किसी थर्ड पर्सन से पता लगेगा, इनके दोस्त से पता लगेगा, या ये खुद बताएंगे, बट आप इनके ऑफर को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे एंड ये उनके लाइफ का सबसे हैप्पी टाइम होगा। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियोस। डू नॉट फॉरगेट, आप मत भूलना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी। आई विल सी यू बैक अगेन। बाय।